आज से करीब 200 साल पहले अलेक्जेंडर वोल्टा ने दुनिया की सबसे पहली बैटरी बनाई थी, जिसका नाम वोल्टिक फाइल था। उन्होंने इस बैटरी को जिंक और कॉपर प्लेट के बीच में नमकीन पानी से भीगे हुए कपड़े को रखकर सीरीज में एक छोटा सा टावर बनाकर तैयार किया था। इस बैटरी में हो ये रहा था कि जब टावर के एक सिरे के कॉपर को दूसरे सिरे के जिंक से एक तार के जरिए जोड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन्स जिंक से निकलकर कॉपर की तरफ फ्लो होने लगे और सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन में जाकर आयन से मिलने लगा। इस प्रोसेस को आज हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर हम कोई बल्ब लगा दें तो इलेक्ट्रॉन्स बल्ब से होकर फ्लो होने लगेगा और बल्ब ग्लो करने लगेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट है। उस टाइम की बनाई गई बैटरी से लेकर आज के टाइम की एडवांस से एडवांस बैटरी भी इसी सेम प्रिंसिपल पर वर्क करती है। केमिकल सॉल्यूशन यानी कि जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, वो इस केस में सॉल्ट वाटर है और वो चेंज हो सकता है। मेटल की प्लेट्स जिसे हम एनोड और कैथोड कहते हैं, वो भी चेंज हो सकता है, पर वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम ही होता है। लेकिन अगर एक बार को सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से होते हुए दूसरे साइड में चले गए तो इसका मतलब बैटरी खत्म हो गई, और यही काम में आता है रिचार्जेबल बैटरी।